जय हिंद स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स का आपने पेपर देख लिया होगा, बहुत ही सरल सा पेपर था, थ्योरी थी। और अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारा वीडियोस, तो उनमें से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी हम फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि इसी का आपको इंतज़ार है। तो पेपर आपके पास रखिएगा, पेपर में हम क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और आपको आंसर बताते जाएंगे। तो इसमें देखिए, जो पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है मुक्त आवेश या निर्वात की विद्युतशीलता का SI मान, तो इसमें सही ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है नीचे प्रदर्शित चित्र में रंग सूचक, यानी आपको सह्यता बतानी थी, सुनहरा रंग दिया हुआ है। सुनहरे की जो सह्यता होती है वो ±5% होती है, तो इसमें आपका ब ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है लोहे का क्यूरी ताप, तो लोहे का क्यूरी ताप 1043 केल्विन होता है। जो जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनमें मैंने नोट्स में लिखवाया है, लोहे का क्यूरी ताप 1043 केल्विन होता है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये कैमरा हिल रहा है, क्योंकि अभी हमने अरेंजमेंट किया नहीं है। चौथा जो प्रश्न है इसमें आपसे आवृत्ति पूछी है। तो देखिए, एक सूत्र होता है I=IM sin ωt, तो ओमेगा बराबर यहाँ पे 60π दिया हुआ है, तुलना करेंगे तो। और फिर आवृत्ति अगर आप इससे निकालेंगे तो आपकी 30 Hz आवृत्ति आएगी, जो कि द ऑप्शन है। FM प्रसारण के लिए संचार आवृत्ति, FM के लिए देखो, इसमें याद रखने वाली वैसी कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप FM सुनते हैं तो 88 से 108 MHz इसकी आवृत्ति होती है। छठा ऑप्शन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर क्षमता +2.5D है, तो इसे आपको फोकस दूरी पूछिए, लेकिन सेंटीमीटर में पूछिए, तो इसमें दो ऑप्शन आएगा 40 सेंटीमीटर। 4π कलांतर के तुल्य आपसे पथांतर पूछा था, इसका सूत्र हो जाएगा x = λ/2π इंटू जो भी आपको कलांतर दिया हुआ है वो, तो यहाँ पे कलांतर 4π है तो पथांतर 2λ, यानी ब ऑप्शन आ जाएगा आपका। 100 वोल्ट विभवांतर, इसके लिए आपका सह ऑप्शन आएगा 0.1222 नैनोमीटर, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र होता है, ये सीधा सीधा सूत्र दिया हुआ है। नवा जो प्रश्न है इसमें तीनों नेंड द्वार लगे हुए हैं, तो इसमें आपका जो है सह ऑप्शन आएगा A.B। और जो आपका जो आपके ये तो 9% थे, आई होप आपके 9 के 9 सही होंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी थे। दूसरा जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें पहला है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल यानी स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है अंदर, तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो 0 होता है, बहुत बार आपको बताया हुआ है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का ताप वृद्धि करने पर अगर ताप बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है। दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य आकर्षण बल लगता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो, इंग्लिश का भी पेपर आने वाला है। Q is greater than 0 यानी पॉजिटिव आवेश, और पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होंगी। Q is greater than 0 में पॉजिटिव रेखाएं हैं, जो कि दिशा रहेगी इनकी बाहर की ओर। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके एक्स पर स्थित विद्युत क्षेत्र का मान आपको, यानी सूत्र आपको लिखना था सीधा सीधा। स्थायी चुंबक के लिए 2 विशेषताएं लिखनी थी, धारणशीलता अधिक और निग्राहिता अधिक। निम्न में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपको निकालने थे, तो सोडियम और एल्यूमिनियम। निर्वात नली में मैग्नेट्रॉन के द्वारा सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो F = R/2 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर किया है। तो उसके आगे देखिए, इसमें अवतल दर्पण भी दिया हुआ है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो -14 सेंटीमीटर होगी। फ्रेनल दूरी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा द्वारक की साइज में संबंध बनाने वाला सूत्र है। Z = होगा यहाँ पे A²/λ, तो A तो क्या हो जाएगा आपका द्वारक की साइज हो जाएगी, और लैम्डा हो जाएगी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होते हैं और अल्पसंख्यक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये काफ़ी सरल पेपर आपको पहला पेपर मिला है बोर्ड की तरफ से, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि गिफ्ट है आपके। तो वीडियो को साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहला प्रश्न, जो चौथा प्रश्न, इसमें सूत्र लग जाएगा V = KQ/R, डिटेल वीडियो हम शाम तक डाल देंगे। पांचवें प्रश्न में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, छठे में
आठवां प्रश्न की अगर हम बात करें शक्ति गुणांक, तो शुद्ध दारित्य परिपथ में देखिए शक्ति न तो ली जाती है न दी जाती है, औसत शक्ति जीरो हो जाती है, इसलिए शुद्ध दारित्य परिपथ के अंदर जो होता है शक्ति गुणांक, वो शक्ति गुणांक का मान जीरो होता है, और श्रेणी LCR परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है। तो ये आपको करना था। ऊर्जा हानि आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर की लिख दी होगी। कार्यफलन और निरोधी विभव यदि 11वें में देखें तो 5 = h(n)0, जहाँ पे न्यू नोट क्या होती है आपकी दहली आवर्ती होती है, तो इसमें ये सूत्र लग जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध बिल्कुल लीजिए था, गतिज ऊर्जा तो वो की वो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में 2 गुना करना है आपको। रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल की कमियां, और सेकंड है उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में यानी विजिबल रीजन में बामर श्रेणी आती है। और 14 में रेडियो एक्टिवता क्षयता का नियम लिखना था, यहाँ पे क्षय स्थिरांक यानी लैम्ब्डा आपको दिया हुआ था और सूत्र लगाए गए, तो सीधा सीधा इसमें कैंसिल आउट होकर 1 मिनट आपका आंसर आएगा। तो ये कुछ एक इस प्रकार से छोटा ये, इसके बाद में बड़े प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जो मोस्ट थे वो सारे प्रश्न आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मोस्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बिल्कुल इजी सा पेपर है। आई होप आपका पेपर बढ़िया हुआ होगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूले, कल हमने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम आपको जो है वीडियो देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शाम को डिटेल वीडियो के साथ। जय हिंद।